राम राम। नमस्कार सभी दोस्तों को। आज की वीडियो भाई ना अपनी है ना किसी और भाई की है। आज की वीडियो एक मंदिर से लेके आ रहे हैं, बाबा समाध वाला मंदिर, गांव बड़म्बा, तहसील महम, जिला रोहतक। हमारा गांव खरकड़ा है भाई, और बड़म्बा एक खरकड़ा इकट्ठा बोला जाता है, जैसे मोखरा मदीना, बड़म्बा, खरकड़ा, ये इकट्ठा बोला जाता है। और हमारा खरकड़ा गांव अलावतों का गांव है, और बड़म्बा भी अलावतों का और राठियों का गांव है। हमारा खरकड़ा गांव बड़म्बा से ही निकला हुआ है भाई। पुराने ज़माने में बूढ़े थे, हमारे बुज़ुर्ग थे, दादा परदादा, वो बड़म्बा गाँव से ही अलग हुआ था खरकड़ा गाँव। ज़मीन भी आज भी खरकड़ा के अंदर भी बड़म्बा की ज़मीन है बिल्कुल। और बड़म्बा को बड़ा गांव बोला जाता है और खरकड़ा को छोटा गांव बोला जाता है। तो आज की वीडियो बाबा समाध वाला आश्रम गांव बड़म्बा, तहसील महम, जिला रोहतक से लेके आ रहे हैं। आज बड़म्बा गांव में गया हुआ था मैं, तो वहां महाराज जी के पास एक गाय गौ माता दिखाई दी। ये महाराज जी ने गौ माता भाई घूमती हुई बछड़ी पकड़ी थी, गाँव से ही बांधी थी ये मंदिर में। और ये 14-15 किलो दूध निकालती है महाराज जी के पास। और ये इसी की बछड़ी 2 साल की हुई है अभी। आप बछड़ी देखो भाई, मेरा बछड़ी देख के वीडियो बनाने का दिल किया भी आप लोगों के साथ साझा करें भाई। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है भाई, पंचायती बुलों के रिजल्ट आप लोग देख सकते हो बछड़ी के, आप हाइट, लेंथ, पीठ पुट्ठा, और हम 2 साल की एज में हम पे एक बहुत सुंदर, बहुत बड़ा हम्प है बछड़ी का भाई। ये देखो बॉडी स्ट्रक्चर देखो आप, शुद्ध हरियाणा। और ये एक आम पंचायती बुल का रिजल्ट है जो गांव में पंचायती बुल होते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं भाई, जो पंचायती बुलों के जो रिजल्ट हैं, अच्छी बछड़ी, अच्छी केयर होने के बाद वो फर्स्ट टाइम में 12 किलो दूध तक भी आराम से निकालती हैं। और ये इतना सुंदर माहौल, सुंदर नज़ारा, एक तरफ को यहाँ तालाब है, ये महाराज जी का जो महंत थे यहाँ के, जो रमेश गिरी जी, ये उनका मंदिर है। और ये पुराने ज़माने का जो हमारे कुएं होते थे, ये वो पुराने ज़माने का कुआ है भाई, अभी तो ये बंद पड़ा है, बट आप देखो जो पुराने टाइम के होते थे ये वो है। और ये बरगद का पेड़, बड़का पेड़, ये 30-25-30 साल पुराना पेड़, वो उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसकी छाँव के नीचे इतनी ठंडी शीतल छाया होती है इसकी बहुत ज़्यादा। ये देखो आप, यहाँ ये एक ही गौ माता है और एक इसका बछड़ा, वो इस बछड़ी से अगले ब्यात का ही, वो गांव में सुबह महाराज जी खोल देते हैं उसको, जो भी गांव में घरों में चले जा रोटी देता है, कोई कुछ देता है, वो खा पी के अब शाम को आएगा दूध पीने। वो हमको मिला नहीं बछड़ा, आप ये बछड़ी देख सकते हो। और चारों तरफ पेड़ पौधे, इतना सुंदर नज़ारा है भाई, बहुत दिल किया, 1-1.5 घंटा बैठ के आए हम। ये देखिए महाराज जी से गुजारिश भी करके आए भाई, आप और बढ़ाए, कम से कम आप 8-10 गौ माता यहाँ रख सकते हैं, रखो। महाराज जी ने बोला भी है भाई, यहाँ कोशिश करेंगे रखने की। गांव के बीचों बीच ये मंदिर है। ये देखो बछड़ी ये खुली रहती है, कभी इसको रस्सा भी नहीं डालते महाराज जी, क्योंकि ये आज भी अपनी माँ का दूध पीती है भाई। बछड़ा भी पीता है और ये भी पीता है। और बछड़ी 5 महीने के करीबन प्रेग्नेंट भी बताइए महाराज जी ने, और गाँव के ही बुल से प्रेग्नेंट है। गाँव में जो नंदी महाराज पंचायती अभी भी हैं गाँव में, बट बहुत ही कम, बहुत ही रेयर हैं, तो उनकी लोग संभाल नहीं करते, लोग केयर नहीं करते भाई, कोई दाना वाना डाल के खुश नहीं है बेचारे, कुछ कुछ खाने को मजबूर हैं। आज के दिन इतनी दुर्दशा हो चुकी है, एक गांव से एक नंदी नहीं रोक सकता, एक बड़ा गांव भी होके हज़ारों आदमी एक नंदी को नहीं रोक सकते। ये महाराज जी थे जो अभी यहाँ के महंत हैं। ये इतना भव्य मंदिर है, इतना सुंदर मंदिर है, और ये गौ माताओं के बांधने की व्यवस्था, साफ सफाई बिल्कुल अच्छी, देखो। और ये जो रमेश गिरी महाराज जी थे, उनका
यहाँ धुना भी है, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये महाराज जी अब यहाँ के महंत हैं। इतना सुंदर नज़ारा है भाई, देखते ही बनता है। मंदिर के दोनों तरफ तालाब है, बीच में मंदिर है, वो भी गांव के बीचों बीच। बिल्कुल गोरा बोलते थे हमारे यहाँ, जैसे गांव के बीच में खुली जगह होती थी पहले, उसको गोरा बोला जाता था। ये देखो, ये हर पेड़ पौधे, इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, इतनी छायादार। ये देखिए आप, बहुत साफ सफाई। ये गांव के ही आदमी सुबह जो भी पूजा करने आते हैं, ये सुबह आने लग जाते हैं। आगे से भी आपको दिखाता हूँ अभी। बहुत सुंदर, बहुत भव्य मंदिर है भाई। ये देखिए, ये महाराज जी प्रसाद दे रहे हैं। मंदिरों में ये बहुत कम वो रह गया आजकल, मंदिरों का भी बुरा हाल हो चुका है। ये आगे आपको रमेश गिरी महाराज जी, जिनके नाम पे ये गांव ने मंदिर बनाया था, बाबा समाध वाला नाम रखा गया था इसका, उनका भी आगे आपको धुना और उनकी तस्वीर भी दिखाएंगे आपको। बहुत पहुँचे हुए संत थे भाई। ये देखिए, ये थे महंत रमेश गिरी महाराज जी, ये उनकी तस्वीर थी। और ये उनकी यहाँ धूणा, जो भी धूणा कह लो, या जहाँ तपते थे भी, तप करते थे, यह इनकी समाधि है। ये मंदिर के अंदर जो कमरा है वो है, ये देखिए। और ये लास्ट में ऐसा नज़ारा शायद ही आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलता है हरियाणा में। गांव में तो आप लोगों को बहुत दिखाई देगा। दोनों तरफ तालाब, सामने वो मंदिर, पेड़ पौधों से घिरा हुआ, हरियाली। ये यहाँ गांव के भैंस हैं, गायें हैं, अभी बारिश के टाइम में पानी थोड़ा ज़्यादा चढ़ जाता है। ये देखो भाई, बीचों बीच इनके रास्ता है देखो। और ये जो ये गोल चौतरे बना के जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं, ये आगे उस साइड भी बहुत पेड़ पौधे हैं। वहाँ भैंस आती हैं दोपहर को तालाब में, फिर ये बाहर पेड़ों के नीचे बैठ जाती हैं गर्मियों में। बहुत आज भी बहुत अच्छा सिस्टम है गाँव का, पर लोग उसको भी भूलते जा रहे हैं भाई। तो ये आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, देख के ज़रूर बताना।